हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति। सो आज का जो वीडियो है वो है एक मिंत्रा साड़ी हॉल। सो इसमें मैं आज आपको चार साड़ियां दिखाऊंगी। तीन साड़ियां हैं वो एक ही ब्रांड से हैं, फ्रॉम द ब्रांड मितारा। काफी रिनाउंस ब्रांड है ये मिंत्रा का और साड़ीज के लिए बहुत फेमस है। और जो फोर्थ साड़ी है वो अलग ब्रांड से है, सारी ही डार्क कलर में है और फेस्टिव और वेडिंग के लिए अप्रोप्रिएट साड़ी है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फर्स्ट साड़ी है वो है दिस ब्यूटीफुल बरगंडी कलर साड़ी। लुक एट द कलर, कितना प्यारा कलर है और इंडियन स्किन टोन पे काफी सूट करता है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये कलर। सो पूरी ही साड़ी पे ऐसे बड़े बड़े वुवन डिजाइन दिए गए हैं, ये गोल्डन थ्रेड से वीविंग की गई है और साड़ी की लेंथ एकदम प्रॉपर है। पल्ला वाला जो पोर्शन है वो पूरा ऐसे भरा हुआ है वीविंग से और जो दूसरी साइड है ना उस पर बिल्कुल भी थ्रेड्स नहीं निकले हुए हैं। वरना जो वीविंग वाली साड़ी होती है ना उसमें यूजली थ्रेड्स निकले होते हैं, बट इस पे कोई भी थ्रेड निकला हुआ नहीं। कितना क्लीन वर्क है इस पे और ये बिल्कुल भी नहीं आपको चुभती है। बहुत अच्छा फैब्रिक है और काफ़ी ईजिली आप इसकी प्लीट्स वगैरह बना सकते हो। एज यू कैन सी आप बहुत ईजी इसको ड्रेप कर सकते हो। बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है और बहुत कंफर्टेबल है। इस साड़ी पे ऐसे नीचे की तरफ ये वीविंग वाला पैटर्न दिया गया है, काफ़ी ब्रॉड बॉर्डर है और ऊपर की साइड ऐसे छोटा वाला बॉर्डर दिया गया है। अगर अंडर 1000 में इतनी ब्यूटीफुल साड़ी मिल रही है ना तो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। मुझे सच में बहुत पसंद है और मैं इसे कई बार पहन भी चुकी हूँ। और आगे की साइड जहाँ पे प्लीट से पहले जो पोर्शन टग इन करते हैं ना वो पोर्शन बिल्कुल प्लेन है और उस पोर्शन के बाद यहाँ से ये वीविंग वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। काफ़ी लाइट वेट साड़ी है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है और ना ड्रेप करने में कोई इशू आने वाला है। अगर आप इसको थोड़ा एक दिन पहले आयरन वगैरह करके इसको प्री ड्रेप करके रखेंगे तो ये पहनने में बहुत कंफर्टेबल होगी और मुझे इसका कलर सच में बहुत पसंद आया। सो इसके साथ जो ब्लाउज आया था मैं उसका भी पिक इंसर्ट कर दूंगी साइड में ताकि आपको आइडिया हो जाए किस टाइप का ब्लाउज था। आप इसे किसी भी वेडिंग और फंक्शंस के लिए ईजिली कैरी कर सकते हैं। लो बन बनाइए, गजरा लगाइए और बड़े बड़े झुमके पहनिए। एंड दिस साड़ी विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू दैट अनुष्का शर्मा और दीपिका पादुकोण वाली वाइब। सो मुझे तो ये साड़ी देख के अनुष्का शर्मा का आफ्टर वेडिंग वाला जो एक लुक था वो वाला मुझे लुक याद आ गया। सो ये साड़ी बहुत ब्यूटीफुल है। ये थी इस हॉल की पहली साड़ी, आई होप आपको पसंद आई होगी। दूसरी साड़ी है वो अगेन फ्रॉम द ब्रांड मितारा है। सो ये है ब्लू एंड ऐसा रेड कलर का बॉर्डर है इस साड़ी में। जो ऊपर की तरफ है वो छोटा बॉर्डर है और जो नीचे की तरफ है वो इस टाइप का चौड़ा बॉर्डर है नीचे की तरफ। सो काफी ब्यूटीफुल साड़ी है और सारी ही साड़ी में इस टाइप के मोटिव्स बना के दिए गए हैं। सो इसका फैब्रिक है कॉटन सिल्क। सो सिल्क जो कॉटन वाला मिक्स्ड वाला होता है वो वाला फैब्रिक है ये, बट इसकी भी प्लीट्स बनाने में कोई इशू नहीं आता। थोड़ा सा इसको मैनेज करना मुझे उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ट्रिकी लगा, बट ऐसा नहीं है कि आप इसे बिल्कुल मैनेज नहीं कर सकते। आप अच्छे से प्लीट्स वगैरह बनाएंगे, पिन वगैरह लगाएंगे तो काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे इस साड़ी को। बट लुक वाइज बहुत अच्छी लगती है और इसका कलर कॉम्बिनेशन सच में बहुत प्यारा है। रेड एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है और जो पल्लू वाला पोर्शन है उसमें पूरे पे ऐसे वीविंग वाला हैवी पैटर्न दिया गया है जो सच में काफ़ी अच्छा लगता है। और इस वाली साड़ी में भी आगे जो टगिन वाला पोर्शन होता है वो प्लेन दिया गया है और इस वाली साड़ी में भी ना थ्रेड्स वगैरह कहीं भी बाहर नहीं आ रहे हैं। प्लीट्स वगैरह भी इजीली बन जाती हैं। दो पल्ले को थोड़ा मैनेज करना ट्रिकी है बिकॉज चौड़ा बॉर्डर है। इसका प्राइस है 1200 समथिंग, मैं स्क्रीन पे एग्जैक्ट प्राइस मेंशन कर दूंगी। फुल लेंथ साड़ी है, साड़ी के लेंथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वर्क है ना वो बहुत क्लीन है, यू कैन सी कितनी क्लीन वीविंग करके दी गई है। उसके साथ जो ब्लाउज आया था वो कुछ इस टाइप का ब्लाउज था, उसके स्लीव्स पे कुछ इस टाइप के पैटर्न दिया गया था और जो पूरा ब्लाउज का फैब्रिक था वो ऐसा था। तो काफ़ी अच्छे इसका ब्लाउज का मटेरियल है, ये ब्रोकेड टाइप का फैब्रिक लगता है। तो इस साड़ी का कलर बहुत प्यारा है और फेस्टिव्स वेडिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट साड़ी है। आप इसे मेन स्ट्रीम वेडिंग में भी कैरी कर सकते हैं। इसके प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी साड़ी है। थर्ड साड़ी है वो अगेन फ्रॉम द ब्रांड मितारा है। ये तीनों ही साड़ी सेम ब्रांड से हैं। सो ये है वेलवेट की साड़ी। सो पूरी ही साड़ी प्लेन है, ग्रीन कलर में, एमराल्ड ग्रीन जो कलर होता है ना वो वाला ग्रीन है और पूरी साड़ी में ऐसे चौड़ा सा बॉर्डर है, उसमें मिरर वर्क भी है। ये मिरर फेक है, रियल मिरर्स नहीं है। सो पूरी ही साड़ी में से चारों तरफ यही बॉर्डर लगा के दिया गया है, ऊपर भी और नीचे भी।
काफ़ी स्मार्ट लगती है ये साड़ी, ड्रेप करने के बाद बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगती है। सो पूरी ही साड़ी प्लेन है, बस साड़ी में चारों तरफ बॉर्डर है, और ये जो वेलवेट है ना, इसकी क्वालिटी बहुत प्रीमियम है, बिल्कुल भी वो चीप वाला जो वेलवेट होता है ना, जो स्ट्रेच होता रहता है लाइक्रा की तरह, वैसा वाला वेलवेट नहीं है, बहुत अच्छा वाला वेलवेट है। और वेलवेट में ना काफ़ी अच्छी शाइन होती है, सो आप इसे वेडिंग्स वगैरह में, फेस्टिव्स में ईजिली कैरी कर सकते हैं, और आप इसे समर्स में तो नहीं, बट हाँ विंटर्स में और जो अभी फिलहाल मौसम चल रहा है उसमें ईजिली इसको पहन सकते हैं। प्राइस इसका स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी। इसके साथ जो ब्लाउज आया है वो इस टाइप का ब्लाउज आया है, ये आर्ट सिल्क फैब्रिक है, सो ये स्लीव्स के लिए दिया गया है, फ्रंट वाले पोर्शन के लिए ऐसा कुछ फुल वर्क वाला पोर्शन दिया गया है, बट ऐसी वाली साड़ियों के साथ आप अवॉइड ही कीजिए इतने हैवी वाले ऐसे ब्लाउजेस बनवाना, बिकॉज फैब्रिक अच्छा नहीं है इसका, आर्ट सिल्क टाइप का कुछ फैब्रिक है, सो एक तो कंफर्टेबल भी नहीं रहेगा और वैसा लुक भी नहीं आएगा। सो आप ट्राई कीजिए कि कुछ सेम टोन में ही ब्लाउज स्टिच करवा लें, तो वो ज़्यादा बेटर लगता है ऐसी साड़ी के साथ जिसमें थोड़ा शाइन हो, बिकॉज इस फैब्रिक में कोई भी शाइन नहीं है, सो इसके साथ ये बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करने वाला है। सो जो ऐसी साड़ियाँ आती हैं ना ऑनलाइन, जितनी भी साड़ियाँ आती हैं, सो मुझे उनके ब्लाउज नो यूज़ ही लगते हैं, बिकॉज साड़ी अच्छी होती है बट ब्लाउज का फैब्रिक बहुत ख़राब होता है। सिर्फ 10/10 साड़ी, तो ऐसी अगर आपके पास एक दो साड़ी हो तो विंटर वेडिंग्स के लिए आप थोड़े सॉर्टेड रहते हैं। जो फोर्थ साड़ी है इस हॉल की वो है दिस ब्यूटीफुल साड़ी फ्रॉम द ब्रांड सुघार्थी, आई थिंक कुछ यही नाम है, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी जो भी इसका नाम है इस ब्रांड का। सो बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत लाइट वेट साड़ी है और इन माय फेवरेट कलर ब्लैक, बहुत प्यारी साड़ी है और सीक्वेंस का वर्क है पूरी साड़ी में, और ऐसे बॉर्डर पे भी नीचे एक वर्क वाली लेस लगा के दी गई है पूरे बॉर्डर पे, और सीक्वेंस का वर्क है नीचे भी, और यहाँ पे कुछ एम्ब्रॉयडरी वाली भी पैटर्न है। सो सॉफ्ट जॉर्जेट इसका फैब्रिक है, बहुत बहुत लाइट वेट है, लाइक आप पहन लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा आपने साड़ी पहनी, आप इसे पूरे दिन इजिली कैरी कर सकते हैं, और कॉकटेल पार्टीज के लिए या फिर फेयरवेल्स के लिए, वेडिंग्स वगैरह के लिए भी ये साड़ी बहुत अच्छी है। जो आंचल वाला पोर्शन है उसमें पूरे ऐसे कटवर्क वाली ही लेस लगा के दी गई है, सेम लेस आपको पूरे नीचे की तरफ भी मिल जाएगी पूरी साड़ी में, और ऊपर की तरफ भी है जहाँ तक प्लीट्स नहीं बनाते हैं वहाँ तक, और बाकी आगे वाला पोर्शन सिंपल ऐसे सीक्वेंस वाला है बट आगे ऊपर लेस नहीं है। फ्रंट वाला पोर्शन होता है जो प्लीट से पहले आता है वो प्लेन है, उसके बाद पूरी ही साड़ी में ऐसे सीक्वेंस हैं गोल्डन कलर के, तो काफ़ी ब्लिंगी साड़ी है, और अगर आप फेयरवेल वगैरह के लिए कुछ साड़ी देख रहे हैं सो डू गिव इट अ ट्राई, मेरे पूरे हॉल में से मेरी फेवरेट साड़ी यही है, मुझे बहुत पसंद आई ये साड़ी, इसका फैब्रिक वगैरह सब बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये साड़ी मैंने काफ़ी टाइम से है मेरे पास, मैंने मिंत्रा से ही ली थी इसलिए मैं आपको इस हॉल में दिखा रही हूँ। सो इसका जो ब्लाउज है वो मैंने स्टिच करा रखा है, सो पूरा ब्लाउज ऐसे बेज कलर का है और उस पर ऐसे गोल्डन कलर के सीक्वेंस और थ्रेड वर्क का काम हो रखा है, ऐसे एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है, और स्लीव्स पे भी सेम एम्ब्रॉयडरी है, सो काफ़ी स्मार्ट लगता है ये साड़ी के साथ, आप चाहें तो किसी क्रॉप टॉप वगैरह के साथ भी इसको कैरी कर सकते हैं। तो प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी साड़ी है, मैं इसका प्राइस स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी। सो दैट्स इट फॉर द टूडेज हॉल वीडियो, आई होप आपको ये हॉल वीडियो पसंद आया होगा और साड़ियाँ भी पसंद आई होंगी, सारी ही साड़ियाँ अच्छी हैं, बस एक वो ब्लू वन जिसका फैब्रिक थोड़ा सा स्टिफ है, उसके अलावा बाकी सारी साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।